أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات ذقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع सूरे वज़ारियात सूरे की इब्तिदा लफ्ज़े वज़ारियात से हो रही है, बस उसी मुनासिबत से सूरे का नाम भी सूरे वज़ारियात है। इस सूरे से पहले गुजरा हुआ सूरा सूरे काफ, जिसके इख्तितामी आयतों में खास तौर पर क़यामत के अहवाल, मौत के बाद पेश आने वाले वाक़ियात का तज़किरा था, जिसमें तमाम मुर्दों को जिंदा करने का तज़किरा, क़यामत के वाक़े होने का तज़किरा, हिसाब किताब के लिए और दिए जाने का तज़किरा, हश्र के मैदान में वाक़े होने वाले सूरतें और शक्लें जो होंगी उनका तज़किरा, खासतौर पर जिस जैसी चीज़ पर यकीन न रखने वालों के लिए उनकी तफसील बताई गई थी, उन्हीं चीज़ों के बारे में अब इस सूरे को छोड़ते हुए अल्लाह ताला अपने मखलूकात की चंद अहम चीज़ें जिसे इंसान की जिंदगी की बका का दार मदार इस दुनिया में रख दिया है, अल्लाह ताला ने जो उनकी कुदरत से ताल्लुक रखती हैं चीज़ें, उन चीज़ों की कसम खाकर यकीन दिलाता है बंदों को कि वो जो चीज़ें जिक्र की गई इससे पहले क़यामत और उसके बाद होने वाली चीज़ें, इन नदीन अलवाकी, वो बदले का दिन वाकई तौर पर वो कर रहेगा, चाहे कोई माने और ना माने, लेकिन लोगों की कसरत उस पर यकीन कम करते हुए दुनियादारी और हवस परस्ती में पड़े रहते हैं, इस मफ़हूम का जिक्र होता है। चुनांचे सबसे पहले ज़ारियात की अरबी लफ्ज उर्दू में भी मुंतक़िल हुआ ज़र्रा की शक्ल में, ज़र्रा ज़ारियात ज़र्रा, ज़र्रात को यानी गर्द गुबार को उड़ाने वाली, उड़ाकर ले जाने वाली हवाएं, उन हवाओं की कसम, हवा के बाकी रखने, हवा के चलाने, हवा के फवायद, और जब इंसान इसको नेमत की कदर से नहीं देखता तो यही हवा अल्लाह के हुक्म से अज़ाब बन जाती है, तो फिर सारी की सारी जिंदगियों को बाकी रखने के लिए हर चीज़ में मरकज़ी रूल हयात का अदा करने के लिए बस यही हवा अल्लाह ताला ने पैदा फरमा रखा है। वारसल रियाह विश्रम बैना इदय रहमती, इस मफ़हूम को कई जगह जिक्र करा में पिछले पारों में, बारिश के आने से पहले अबर को जमा कर ठंडी हवा चला देते हैं, यानी इंसानों को उसका रब इत्तला कर देता है, देखो अब तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की रहमत बरसने वाली है, वो चीज़ बरसने वाली है जो तमाम जमीन के ऊपर रहने वाले मखलूकात के लिए रोटी रोजगार का अहम जरिया और सबब है, उस पानी के बरसाने की किल्लत इंसान की जिंदगी के अंदर कहत ताली गिरानी और आफतों का जरिया बन जाती है, और उसकी कसरत हो जाती है तो मुसीबत बन जाती है, और उसे एतदाल को जो बाकी रखता है तो तुम्हारे लिए रोटी रोजगार जिंदगियां बन जाती हैं, तो उन गद्दोगुबार को उड़ा कर ले जाने वाली हवाओं की कसम, फलहामिलात विक्रा, भारी भरकम ढोल पानी के
छा कर छाने रहने वाले अबर बादलों की नस्ल। वही बादल जब बरसता है तो फिर उस पानी की मकदार का अंदाजा इंसान लगा भी नहीं सकता, सही अंदाजा। तो उस पानी को अबर की शक्ल में किस तरह उठाकर बाकी रखा अल्लाह ताला, ये तफसील बड़ी कुरान में कई जगह है। अलम तरा अन्नल्लाह युज़ी सहाबा, क्या तुमने नहीं देखा बादलों को जब तब चलते हुए हमारे रब के हुक्म से, जहाँ जिसकी जरूरत है जहाँ उसका मंशा बरसाने का है और जितना बरसाना है अल्लाह ताला ने निजाम बना कर रखा है। पानी से भरे हिले अबर और बादलों के खत्म, और यही बादल जब बरसते हैं तो बड़ी बड़ी नदियों में, तालाबों में और समंदरों के अंदर तुम जहाजें चलाते हो, कश्तियां चलाते हो और वो चलते हैं फल जा रही या दूसरा, उन तमाम कश्तियों के जहाजों के इत्मीनान आसानी नरमी के साथ, यानी इत्मीनान से जब चलते हैं तो तुम तो मौत नहीं रहता। जब तूफान वाली कैफियत होती है तो बैठे मेरे सबके लिए मौत से पहले मौत याद आने लगती है, उनके सफर यानी सारे के सारे निजाम को बाकी रखा, मुसफर किया, ताजे किया इंसान के लिए। और ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी के साथ, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। फल मुकदमात अमरा अम्र रब खुदा बंदी को अल्लाह ताला के हुक्म से लेकर तकसीम करने वाले चलाने वाले फरिश्तों के सफर, यानी अल्लाह ताला ने सारे के सारे निजाम के लिए एक मखलूक पैदा फरमा कर उसको उनकी जिम्मेदारियां मामूल फरमा रखा है। इन तमाम चीजों की कसम खाकर जो चीज बताना वो इन नमा दुआ दूना, जिन जिन चीजों का तुमसे वादा किया गया बतला दी गई, जो इस वजह से मुस्तकबिल वाले सूरे के अंदर मौत का, मौत की कैफियत का, मौत के बाद उठाए जाने का, फिर हिसाबों के साथ होने का, बुरे बंदे का जो बुरा हाल होने का, नेक बंदे उनके लिए नेमतों के लिए जाने का, इसके बारे में शक व शुबा क्यों है। जब यकीन है तो फिर इसको मजबूत रखते हुए इतिहास और फर्माबरदारी का पहलू क्यों नहीं इख्तियार करता इंसान कि देखो यकीनन यकीनन जितनी चीजें तुम तुमसे वादा फरमाई गई है सलाम बात के जरिए से, हम जाए सलाम सलाम के जरिए से लगता देखो वादा सच्चा है, पक्का है, होने वाला है, ये सच्चा है। वही न तीन लवाकई यकीन बदले का दिन सजा व सजा वाकई होने वाला है। पूरे पाचा ने जिक्र कर दिया कि मानवियों की सारे मजाक उसके अंदर आते हैं, अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है, मुख्तार है। वो बदले का दिन लवाकई यकीनन यकीनन बिल्कुल सही है, होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। फिर कसम खाकर कहते हैं आसमान के कसम के अंदर रास्ते बने हुए हैं फरिश्तों के आने जाने के लिए, दाखिल कबूल उसके कसम खाकर कहते हैं इन तमाम आखिरत की चीजें मरने के बाद उठाए जाने वाली चीजों के बारे में दुनिया के अंदर रहने वाले इंसान और इंसानों ने लफी हौल मुख्तलिफलाफी अखवाल के अंदर पड़े हुए तो कई पहलुओं से जिक्र किया। सूर्य नवाजी इब्तदाई आयत भी वही है अम्मा यतसाअलून अनिल नबअल अज़ीम, उसको नबअ अज़ीम फरमाया क़यामत क़यामत के दिन होने वाली चीजें उसके बाद उठाए जाने वाली है। हम भी मुख्तलिफ हो देखो इसके अंदर आपस में इख्तलाफ करते हुए यकीन ना करते सुन रहे हैं उसी वक्त को इन्नकुम लफी क़ौलिन मुख्तलिफ, कोई उसकी तस्दीक कर रहा है तो कोई उसका इनकार कर रहा है, कोई उसके अंदर शक व शुबे के अंदर पड़ा हुआ है। जो तस्दीक करता है यकीन रखता है वो आखिरत के खौफ को मजबूत रखते हुए इताअत और फरमाबरदारी में पुख्तगी के साथ अपने आप को लगाए रखा है। जो यकीन नहीं करता उसकी परवाह किए बगैर, इन सारी बातों की परवाह किए बगैर जो चाहे मनमानी करते हुए जानवर हैवानों से बदतर जिंदगी गुजारते रहता है। जब अल्लाह ताला ने सारी चीजों की खत्म का फरमा दिया
प्रकार मन से अब इस कयामत के बारे में जो मुंह मोड़ना है मोड़े, बात तो हकीकत है। और कहीं न रखना अपने वहम की बुनियाद पर, गुमान की बुनियाद पर ऐसा करने वाले वो तिर खर्रा यकीन न रखने वाले की बुनियाद की दलील के ऊपर है, सदाकत के ऊपर है, तो खर्रा की बुनियाद से खर्रा कहते हैं अंदाजे के ऊपर, अटकल समझ लेना, वहम पैदा कर लेना। ऐसा करने वाले तमाम के तमाम खला को बर्बाद कर देना, और ऐसा करने वाले अपनी जिंदगी के हर मामले में गफलत में पड़े रहकर जिंदगी गुजारा करते हैं, और जब जोर देकर दीन इस्लाम की बुनियाद पर दीन इस्लाम के मानने वाले ये दीन इस्लाम का पयाम अल्लाह के कलाम के जरिए से समझाने वाले समझाते हैं, तो पूछते हैं कि करुणा ज्ञान यमुद्दीन आकर वो जजा और सजा का दिन, बदले का दिन आखिर किस वक्त होगा? जब क़यामत होगी तो पता चलेगा यौम हमारे नारी तरून वो दुर्दख की आग के अंदर छोप दिए जाएंगे। उस वक्त उनके तकलीफ में इजाफा करते हुए फरिश्तों को हुक्म गाए कहते रहेंगे, शान करते हुए जो को फितना तक तुम्हारा अपना ही आजाब चलो हाजल लगी उनको फितना ताजरून बड़ी जल्दी थे ना इनकार करते हुए है थे मत लव पेश करो। हाँ हमने इतनी शरारत की, इतने गुनाह किए, इतने जुर्म किए, बहुत बिगाड़ता देख लेंगे, बिगाड़ दो कहता था या समझता था, समझ कर इसी बुनियाद के पर जुलम करके आगे बढ़ता था। तुमको जल्दी थे ना, उसका वक्त था, अब ये वक्त है, हमारे सामने मौजूद है, अब इनकार की कोई शक्ल भी नहीं है। हमारा इसकी तस्दीक करने वाले उनमें कैसे फक होता है, अपनी जिंदगी को कैसे बदल देते हैं, अपने फिक्र में तब्दीली आती है, हमारी जिंदगी के हर पहलू के अंदर तब्दीली आती है, खाने में पीने में उठने में बैठने में सोने में बेदार होने में जिंदगी के लिए जुड़ा हुआ माल और अस्बाब रोजी रोजगार की चीजों के अंदर भी फिक्र और तब्दीली पैदा होती है। मैंने दुनिया के हिस्से से जुड़े रहते हैं, जोड़ को आखिरत के साथ बाकी रखकर जुड़ते हैं, तो उनको अल्लाह ताला मुंतखिब हुए इनामात उनकी तफसील को अगले आने वाली आयत में।